हैप्पी रोज डे। ओ देखो सुनो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट टू जीत एंड अर्चना। हे भगवान, ये कहाँ से सीखा तू? और देखो वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ अनिबनी के स्कूल उनको लेने के लिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा गई थी डे टू डे, ऐसे ही कुछ आधे कात को सामान लेना था। एंड आज है रोज डे, वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो गई है, तो हैप्पी रोज डे टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद पता नहीं क्या है, मुझे हमेशा रोज डे याद रहता है 7 तारीख एंड वैलेंटाइंस डे 14 तारीख याद रहता है, बाकी बीच का इधर उधर कुछ भी याद नहीं रहता है। हाँ, किसी दिन कुछ याद आ गया, ठीक है ठीक है। तो जीत के लिए मैंने एक पहले एक रोज पकड़ा था, फिर मैंने सोचा रोज तो मुरझा जाते हैं, तो डे टू डे में एक ये वाली, एक सेकेंड, एक टेडी आया है, तो बीच में टेडी टेडी डे भी होता है ना। तो वैसे तो मैं जीत को टेडी वगैरह नहीं देती हूँ, मैं रोज दे देती हूँ एंड वैलेंटाइंस डे को कुछ ऐसे दे देती हूँ, बट ये वाला मुझे अच्छा लगा देखने में, ये वाला। तो इसमें रोजेस से टेडी बना है, मतलब छोटे छोटे रोजेस से टेडी बना है ये, मुझे ये अच्छा लगा काफी। ये छोटे छोटे रोजेस से एक टेडी बना है, मैंने कहा चलो रोज डे भी हो जाएगा, टेडी डे भी हो जाएगा, दोनों का काम एक साथ हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों का काम एक साथ हो जाएगा, बट मुझे ये अच्छा लगा। रोज तो ऐसे ही आता है फिर मुरझा जाता है, मुझे ये अच्छा लगा। हाँ, कभी कहीं ऐसे सजा के रखने में अच्छा लगेगा। इसका कलर्स भी थे, वाइट पिंक कलर में था, मल्टी कलर में भी था। वाइट पिंक कलर मैंने पहले पकड़ा था, मुझे वो अच्छा लग रहा था, फिर मैंने सोचा कि गंदा हो जाएगा बहुत जल्दी, तो फिर मैंने ये रेड लेके आ गई। तो हैप्पी रोज डे टू ऑल ऑफ यू। Maybe I never knew what I really wanted. जीत को दिखाने के लिए लाए हैं, उनके आईज में थोड़ा सा पेन हो रहा है और थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा है, हल्का सा रेड भी है, इन्फेक्शन थोड़ा सा लग रहा है। हो गया ना? नहीं, जुकाम, उनका आईज पेन कर रहा है ना, तो जुकाम की वजह से। आईज आल्सो, ये दोनों का ही वो लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला अभी क्लीन किया था, अभी जस्ट ये डे टू डे वाले सिग्नल पे क्लीन किया था। स्कूल से आने के बाद मुझे बोले मामा हर्टिंग हर्टिंग, जैसे मैंने बोला ओके डॉक्टर के पास चलेंगे, बोले इट्स नॉट हर्टिंग मोर, इट्स लिटिल हर्टिंग, लिटिल हर्टिंग इट इज, डॉक्टर का नाम सुन के। मैं घर जा रही थी, जीत ने बोला नहीं मेरे ऑफिस के पास आ, मुझे दिखा क्या हुआ है। अभी मैं ले लेता हूं अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ले लो। हां ठीक है ना, वो दिखा देते हैं। अभी उनका ट्यूशन है, फिर 5 बजे के बाद का ले लो कोई भी अपॉइंटमेंट। मैं देख लेता हूं कितना ऑप्शनल ट्यूशन लगा है जिन्ना को चल। बाय बाय बाय, देखो से बाय टू डैड, ग्लास नहीं। सो गाइस, इवनिंग का टाइम है, अभी बस जीत आ रहे हैं, हनी बनी को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, उनके आंखों से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा था, एक बार दिखा देंगे, सर्दी की वजह से हो रहा है या आई इन्फेक्शन वगैरह कुछ हुआ है, पता नहीं क्या है, तो एक बार दिखा देंगे। या बेबी नो हियर नियर बाय, एक्चुअली सुबह उनका इतना नहीं था, मतलब सुबह उनका थोड़ा सा था, बट मुझे लगा सर्दी की वजह से थोड़ा सा हो रहा है, बट स्कूल में टीचर ने बोला था उनका बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो पेन भी हो रहा था, तो एक बार डॉक्टर दिखा देंगे। एक्चुअली हनी बनी थोड़े से प्रीमैच्योर है ना, मतलब मैंने स्टेरॉइड्स तो लिए थे, मतलब डॉक्टर ने दिया था ट्विंस के केस में स्टेरॉइड्स देते हैं ताकि ऑर्गन्स जो है वो जल्दी डेवलप हो, क्योंकि मेरे केस में तो कभी भी डिलीवरी हो सकता था 6 मंथ के बाद कभी भी, तो इसीलिए डॉक्टर ने स्टेरॉइड्स मुझे दे दिए थे। आई थिंक मैंने 7 मंथ के एंड या 8 मंथ के स्टार्टिंग में ही मैंने स्टेरॉइड्स लिए थे। स्टिल जब हनी बनी पैदा हुए थे ना, तो उनका ये आईलिड नहीं आया था, वो तो नॉर्मल बात है, बाकी यहाँ से आँखों से कुछ एक कनेक्शन है, जब वो पता नहीं उनके आँखों से खाली पानी निकलता था, तो वो डॉक्टर ने बोला कि ये जो एक उनका कुछ एक वेन होता होगा, कुछ होता होगा,
जो कि उनका ओपन नहीं हुआ है, जो कि नाक के थ्रू बह जाता है हमारा, बट उनका ये ओपन नहीं था तो इसलिए आँखों से गिरता था। तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला था इसका कोई इलाज नहीं है, आप उसको स्टेराइल कॉटन से, मतलब कॉटन को अच्छे से बॉयल करके स्टेराइल करके एवरी 2-3 घंटे में, उसके 2-3 घंटे भी नहीं 1 घंटे में आप उनके आँखों को साफ करते रहो। तो दोनों की आँखें मैं अराउंड 7-8 मंथ तक मैंने आँखों को साफ किया है। एंड डॉक्टर ने बोला था यहाँ पर प्रेस करते रहो, ये खुल जाएगा, कभी ना कभी खुल जाएगा, रहेगा नहीं। तो मुझे याद है जब मैं इंडिया गई थी 7-8 महीने के ये लोग थे, उस टाइम पे उनका वो ओपन हो गया था शायद, क्योंकि डिस्चार्ज होना काफ़ी कम हो गया था धीरे धीरे। बट उसके बाद भी जब भी उनको सर्दी जो कम होता है तो ये थोड़ा सा उनका, मतलब जो डिस्चार्ज जो है आंखों से वो पानी वगैरह थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए मैंने सुबह सोचा कि चलो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, बट अभी डॉक्टर दिखाना ज़रूरी है। प्रीमैच्योर बेबीज का थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना बच्चा। Now it's hurting or no? Eyes, no? No. Doctor के नाम? Only touch. Don't touch. Honey का ज़्यादा हो रहा है. Honey it's hurting ना? Honey का पूरा आँख पूरा लाल हो गया, देखा? देखो. ये वाला specially left वाला ज़्यादा. चलो, Dada will just reach in 5 minutes. Mama, we'll go down. Mama, juice and biscuit. No juice to go. Biscuit only. It's not cold. No. Still. But looking back, I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me. Doctor will check, no, that's a mama not kidding. Doctor will check what's up. So, guys, we're going back. So, sardi zukam ki wajah se, viral ki wajah se, thoda sa ghasa aankhon mein bhi wo discharge ja raha hai. To, eye drop diya hai. 2 दिन में ठीक हो जाएगा बोला, 2 दिन तक स्कूल नहीं जाएंगे, अभी आज तो वेंसडे, तो कल थर्सडे फ्राइडे अभी स्कूल नहीं जाएंगे, एंड सैटरडे संडे छुट्टी है, तो मंडे तक सही हो जाएंगे। तो ये बहुत लोगों का, मतलब हम लोग 6 बजे गए थे, 9 बज गए अभी आते आते हमें, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था ना वहाँ पे, मतलब मोस्टली लोग बीमार पड़ रहे हैं बिकॉज अभी मौसम अचानक से चेंज हो गया। मतलब फरवरी जब से स्टार्ट हुआ ना, कभी बारिश हो जा रहा है, कभी धूप निकल आ रही है, और ठंडी हवा इतनी चल रही है ना, तो बहुत लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। स्कूल में भी टीचर बोले थे कि बहुत बच्चे बीमार हैं, तो स्कूल जब बच्चे जाते हैं तो मतलब बहुत ईजीली स्प्रेड होता है। तो वही है अभी, हाँ, थोड़ा सा बस उनको बोला है कि अच्छे से बस स्टेराइल वाइप से आँखों को क्लीन करना है, एंड आई ड्रॉप दिया है वही डालने के लिए। तो लेट हो गए हैं काफ़ी, एंड खाने में कुछ मैंने बनाया नहीं था, मैं कहा आके फटाफट बना लेंगे, 6 बजे जाएंगे तो अभी जीत बोल रहेंगे एक भुर्जी वो बनाएंगे, तो मैं बस आटा लगा लेती हूँ, रोटी में बना लेती हूँ, फटाफट वो एक भुर्जी बना लेंगे तो हो जाएगा हमारा डिनर। एंड थोड़ा सा मतलब चलेगा लेट, हनी बनी को थोड़ा सा स्नैक्स खिला दिया था क्योंकि उनको भूख लग रही थी, उनको सोने का भी टाइम हो गया, बट ठीक है कल स्कूल नहीं जाएंगे तो मैंने बोला अभी स्नैक्स खा लो थोड़ा सा, 10 बजे करीब उनको खाना खिलाऊंगी, डिनर कराऊंगी। चलिए गाइस फटाफट ये बना लेती हूँ, जीत अभी आके अपने फ़ोन कॉल में बिजी है, मैंने अभी तक उनको वो टेडी जो लेके आई थी उनको दिया भी नहीं है, वो भी बोल रहे थे मैं तेरे लिए आज रोज़ भी नहीं लेके आ पाया क्योंकि ऑफिस के बाद से इनका हनी बनी का अपॉइंटमेंट लिया, उनको फटाक से पिक किया, तो वही नहीं हो पाया। तो मैंने बस है ना, किधर है मेरा रोज। आज शाम को हम दोनों सब साथ में थे, मैं इसका रोज हूँ आज के लिए। So guys, इतना बड़ा रोज कैसे हैं आप? इतना बड़ा रोज नहीं चाहिए मुझे। हम दोनों की लाइफ में एक ही चीज बड़ी कॉमन है, वो है हनी बनी, एंड वहां से रिलेटेड कुछ भी होता है सब कुछ भूल भाल जाते हैं। अब लगता है जो मेरे को इसके अंदर से लग रहा है कि आज पहली बार मुझे तो रोज नहीं मिलने वाला है, ऐसे कुछ लग रहा है, देखते हैं क्या लेके आती है, कुछ तो खराब होगा इसने। मुझे पता था, देखा मैंने अभी ये रोज तो नहीं है, ये रोज नहीं, छोटे छोटे रोज नहीं है इसमें, रोजेस, हैप्पी रोज एंड हैप्पी टेडी डे, टेडी एंड रोज दोनों मिक्स करके क्या बात है गाइस। कभी आपने देखा है लड़कियों को गिफ्ट दे तो मैंने देखा नहीं कभी, इसने भी पहली बार दिया मुझे, हैप्पी रोज डे माय रोज, मेरे को पहली बार दिया कोई वैलेंटाइन डे पे इसने, सी कैन यू सी, डू यू लाइक इट, हैप्पी रोज डे,
अजीत बना रहे हैं एक भुर्जी आलू के साथ में, मैंने कभी नहीं खाया। स्पेशल अंडा भुर्जी है, कभी बना के खाना तो मजा आ जाएगा। एक भुर्जी छोटे छोटे टुकड़े आलू के साथ में। ओके, ये दोनों को देखो, उधर एक बैठा है, इधर एक बैठी है। इसकी आंख साफ कर रही हूँ इतने टाइम से, 4-5 महीने से। अब बच्चों के आंख भी साफ, 3 बच्चों के आंखें साफ करो, है ना। इसकी आंख में भी मेडिसिन डालती हूँ। इसका तो वो पता नहीं क्या है, डॉक्टर बोल रहा है ये ऐसे ही है। इसका बेबो का वो एक्चुअली कैट्स का वाला रहता है, इसी उसका नहीं है, इसी का होता है। तो उसका भी आई ड्रॉप उसको सुबह शाम डाल रही हूँ। पिछले बहुत टाइम से उसका हो गया, आई थिंक 7-8 महीने हो गए, ये वाला आई ड्रॉप बेबो का। एंड ये उसका वाइप्स, आई क्लीन करने का वाइप्स है उसका। एंड अभी हनी बनी का एक अलग डब्बा मैंने बना लिया है, इसमें हनी का अलग रखा है, बनी का अलग, इनका टिश्यू बॉक्स का, वेट वाइप्स अलग। ट्रीट सिंबा, ट्रीट 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 बेबू, ट्रीट ट्रीट, कौन खाएगा ट्रीट, कम 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 सिंबा। हाँ हाँ, कहाँ है ट्रीट? ये उनका आजकल फेवरेट बना हुआ है, ये वाला ट्रीट, ये स्टिक्स। So guys, ये जो स्टिक है ना, ये बिल्ली है, ये बिल्ला है। तो नॉर्मली लोगों के दिमाग में क्या होता है कि ये ज्यादा अग्रेसिव होगा, ये फटाक से खा लेगा, बट नहीं। ये पूरा स्टिक अगर मैं बेबो को दे दूं, बेबो 2 सेकंड में चबा के खा लेगी। ये खा ही नहीं पाता, ये वो चाटता रहता है, उसको ना छोटे छोटे टुकड़े देना पड़ता है तभी वो खा पाता है। ये वेट करता है, वैसे हाँ। भी बेबो को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। अब बेबो को प्रेफरेंस देता है वो बात नहीं, मतलब इसको भी एक स्टिक दो, इसको भी एक स्टिक दो, बट ये खा ही नहीं पाएगा, इसको इतना छोटा छोटा करके दो तो ही खा पाएगा। ये बिल्ला अभी एक छोटा पिल्ला है। इसलिए मैं बेबो को भी छोटे छोटे टुकड़े करके देती हूँ, क्योंकि बेबो को अगर पूरा स्टिक पकड़ा दो ना तो चबाती ही नहीं है, निगल लेती है पूरा, मतलब कहीं कोई और ना खा ले कोई सोच के। फिनिश सोचते तो नहीं। हाँ ले लो, खलस आओ, नाई आओ, नाई आओ, नाई, फिनिश दो स्टिक, नो नो मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट। ये मेरी बच्ची, ये मेरा बच्चा, ये मेरा राजकुमार, ये मेरी गुड़िया, है ना। अरे गुड़िया सिंह, और इतनी छुंदर कौन है, कौन है इतनी छुंदर, कौन है, कौन है। ओके थोड़ा साइड दे दो, टमाटर ले दे, स्टैंड स्टैंड अप, जीरा, टमाटर, प्याज नहीं डाला पहले, टमाटर पहले, टमाटर को भून लेंगे, देन प्याज, देन आलू, नहीं उसके बाद आलू, टमाटर के बाद आलू, देन प्याज थोड़ा सा, अगर ऑमलेट टाइप का वैसा नहीं रहेगा, जो आधा बॉयल आधा पका टाइप, तो मजा नहीं आता। और आप कितने दिनों के बाद किचन में हो सुनो? आई थिंक लास्ट आप किचन में थे जब हम लोग इंडिया गए थे, और आप मतलब हम लोग जिस दिन आ रहे थे उस दिन आपने खाना बनाया था, है ना। दिसंबर कितने को हम लोग आए थे, 18 को ना, 17-18 को हम लोग आए थे।
तो बहुत पहले की बात है, आई थिंक मैं किस में होंगे 11 12 में होंगे, तो उस टाइम पे सर्दियों का मौसम था, अंडे शायद दो ही बच्चे हुए थे, उनका दो तीन दोस्त थे तो ज़्यादा, मैं क्या करूँ तो वो जस्ट उस टाइम पे एक आलू काट के डाल दिया, लेकिन भाई क्या टेस्ट बना, खदा मैं वही सोच रही थी, इतने मज़े आए कि सर्दी में वापस से हम लोग वापस से गए तो और बहुत सारे अंडे लेके आए थे, उस टाइम 6 अंडे एक साथ और लाए होंगे, फिर हमने आलू डाल के फिर एक बार और बनाया। मैं वही सोच रही थी कि ये वाला रेसिपी उसी दिन इन्वेंट हुआ होगा जब अंडा किसी के घर में कम पड़ गया होगा, क्योंकि आलू एक ऐसी चीज है जो सब में चला जाता है, सब में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन उसका मजा ही अलग आता है आलू के साथ में। बहुत सारा प्याज, क्योंकि प्याज ही प्यार होता है, प्याज ही प्यार होता है, प्याज से प्यार शुरू होता है, प्याज से प्याज भी शुरू होता है। हनी बनी दरवाजा लॉक करके कुछ बना रहे हैं रोज डे के लिए, पता नहीं क्या बना रहे हैं, पूछ रहे हैं डाडा को, डाडा व्हाट यू गिव टू मामा, डाडा बोल, डाडा से डाडा वाज बिजी विद हनी बनी, हाउ टू मामा वाज आल्सो बिजी विद हनी बनी, साला फटाफट अपनी मां के साइड हो रहा है। I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Thank you so much. You also made, or this is the one? I also made. Oh, this is from Bunny. And from me, honey? Happy Rose Day. This sparkles. Oh, cake, sparkles. And Simba Bebo. You made Simba Bebo or you also made deer? Deer. Why you candy made land. ये कहेगा वो क्रिसमस में डियर देख के आते ना उधर जाके नो टेडी बेयर दिया इसीलिए क्या ये पता नहीं टेडी बेयर यू जस्ट मेड आई लव यू यू जस्ट मेड कैरेट अगेन व्हाट यू मेड ये देखिए पहले तो इसको देखिए मेरे पर्स के ऊपर जैसे पिलो कर बना के सोया हुआ है कैसे ऊपर अगेन व्हाट यू मेड डुगो फ्रॉम हनी बनी हैप्पी रोज डे ओ देखो सुनो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट टू जीत एंड अर्चना हे भगवान ये कहां से सीखा तू और देखो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट इसने तभी आके मेरे से पूछा कि कमेंट का डेटा स्पेलिंग COMMENT होता है मैं ध्यान नहीं दिया मैं खाने में लगा मैं कहा यस दैट्स व्हाई यू आस्क हे भग और ये जो मैं जो आपको टेडी दे दिया है ना उसमें से काट के यहाँ पे चिपका दिया है ग्लू में वेरी नाइस जुगू सो गाइज प्लीज हनी बनी की बातें मान के आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए कमेंट कर दीजिए एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए है ना तो चलिए गाइज आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं मेरे बच्चे भी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड जीत का खाना हो चुका है मस्त बना है तो बस मजा चलिए गाइज मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में आप सब ने कैसे सेलिब्रेट किया बताना मतलब ऐसा कोई बड़ा सेलिब्रेशन ये नहीं है स्टिल मिलते हैं आपसे छोटी छोटी सेलिब्रेशन से ही खुशी मिलती है ना है ना भाई क्यों नहीं है ये भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मतलब यही छोटी छोटी चीजों में बहुत खुशी मिली तो चलिए गाइस बाय बाय टेक केयर और सब लड़कों से बाय बाय और मेरे बच्चे की बात मान लेना गाइस प्लीज मेरे बच्चे को नहीं बताओगे सब्सक्राइब होता क्या हाँ सही हमने सुना है हाँ 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 सुना कमेंट का स्पेलिंग पूछ के मैंने तब भी नहीं ध्यान दिया
चलो मतलब जबकि कमेंट का स्पेलिंग उसने सही बोला तो डाटा इज इट सी ओ एम एम ई एन टी मतलब यस क्या लिखना मुझे कुछ पढ़ रहा है चल मैं